दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक, हैकर ने लिखा हैप्पी बर्थडे पूजा, आरोपी की तलाश में जुटे पुलिस। लाभ का पद मामले में आज भी चुनाव आयोग में जारी रहेगी सुनवाई, दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 विधायकों को राहत देते हुए ठहराया था योग्य। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक शख्स की हत्या, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, शुरुआती पूछताछ में हुआ खुलासा, आपसी रंजिश के चलते दिया गया वारदात को अंजाम। दिल्ली पुलिस के शर्मनाक करतूत, इंद्रपुरी इलाके में एक आरोपी को गिरफ्तार कर कराई न्यूड परेड, सड़क पर बचाने के लिए पुलिस के पीछे दौड़ती रही पत्नी। गाजियाबाद के सभी 31 वार्डों में नगर निगम चलाएगा सफाई अभियान, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की तैयारी शुरू, 62 वाहनों की खरीदारी करेगा नगर निगम, लोगों को मिलेगी गंदगी से राहत। कौशाम्बी डिपो पर ड्राइवरों पर गिरी गाज, लंबे समय से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने के चलते 5 ड्राइवरों को निकाला गया, बिना सूचना दिए 2 महीने से थे अनुपस्थित, ड्राइवरों का कॉन्ट्रैक्ट किया गया खत्म। मोदी नगर के रोड़ी गांव में मामूली कहासुनी में बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी को पीटा, पीड़ित महिला के रिश्तेदार ने दर्ज कराई रिपोर्ट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। साहिबाबाद के शालीमार में छत पर रखे एसी के कंप्रेसर फटने से धमाका, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, बिजली की अचानक अधिक मात्रा हो जाने से फटा कंप्रेसर। नोएडा के कोतवाली फेज 2 में पुलिस ने ऑन डिमांड स्कूटी चोरी करने वाले एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार, चोरी किए वाहनों को सस्ते में बेच देता था आरोपी, पुलिस पूछताछ में जुटी। गुरुग्राम के प्रिंस हत्याकांड में अहम फैसला, आरोपी छात्र पर बालिग की तरह चलेगा केस, जमानत की सभी याचिकाओं को किया गया खारिज, प्राइवेट स्कूल में हुई थी बच्चे की हत्या। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ रहा है गर्मी का पारा, मौसम विभाग ने आज दिन का पारा 43.4 डिग्री सेल्सियस किया दर्ज, 8 साल बाद मंगलवार का दिन रहा सीजन का सबसे गर्म दिन। फरुखाबाद में पूर्व सैनिकों ने पांचाल घाट पर गंगा में खड़े होकर शुरू किया जल सत्याग्रह, ठगी के मामले में कार्रवाई न होने को लेकर किया सत्याग्रह, सूचना मिलने पर सीओ सिटी पुलिस फोर्स लेकर पहुंचे गंगा किनारे। डिवाई विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक डॉक्टर अनीता लोधी से मांगी गई 10 लाख रुपए की रंगदारी, विदेशी नंबर से व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मांगी गई रंगदारी, पैसे न देने पर परिवार को जान से मारने की दी गई धमकी। पिथौरागढ़ जनपद के भुरतिंग गांव में ग्रामीणों ने दिखाया कमाल, तैयार की गई पेयजल आपूर्ति की प्रणाली से 24 घंटे मिल रहा शुद्ध पेयजल, ग्रामीण महिलाओं के सहयोग से तैयार की गई जलापूर्ति प्रणाली। उत्तराखंड के जंगलों में पिछले 5 दिनों से आग, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे तक फैली आग की लपटें, वन विभाग ने जताई करोड़ों के नुकसान की आशंका। 2 दिवसीय दौरे पर आज बगहा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने थारू महोत्सव का किया उद्घाटन, वाल्मीकि नगर में बने हाथी कैंप का भी करेंगे उद्घाटन, मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए भारत नेपाल सीमा सील। आज से 3 दिवसीय बिहार दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत, नवादा में आयोजित संघ के प्रशिक्षण वर्ग में स्वयंसेवकों को करेंगे संबोधित, संघ प्रमुख के बिहार दौरे को लेकर गरमाई विपक्षी की राजनीति। सरकारी कर्मियों को मिलने वाले लोन को लेकर नीतीश की कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, अब सरकारी कर्मियों को घर के लिए 25 लाख रुपए का मिल सकेगा लोन, राज्य मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को दी मंजूरी। झारखंड में अब तक दिख रहा है आंधी और तेज बारिश का असर, क्षतिग्रस्त बिजली के पोल की वजह से कई क्षेत्रों में बिजली गुल, बिजली न होने से जनता बेहाल। झारखंड में 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, 65,000 करोड़ रुपए की लागत में स्थापित होने जा रहे नए खाद कारखाने का करेंगे शिलान्यास, 2019 का भी फूकेंगे बिगुल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नर्सों के हड़ताल पर चले जाने से चरमराई अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था, अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है नर्सें।
छत्तीसगढ़ के बस्तर के युवा अब बस्तर बटालियन के माध्यम से लेंगे नक्सलियों से लोहा। नक्सलियों के सफाई के लिए देश में पहली बार बनाई गई बस्तरिया बटालियन। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक बांस डिपो में लगी आग। बड़ी तादाद में बांस और जलाऊ लकड़ी जलकर नष्ट। वन विभाग ने जताई लाखों के नुकसान की आशंका। आग लगने के कारण का भी पता नहीं चला। मध्य प्रदेश में कोयला अंचल के अस्तित्व को बचाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कृष्णा मोदी भूख हड़ताल पर बैठे। सारनी में औद्योगिक क्षेत्र के विकास की मांग को लेकर स्तंभ चौक पर किया प्रदर्शन। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक जिम में बदमाशों ने कसरत कर रहे युवक पर बरसाई अंधाधुंध गोलियां। बदमाशों के हमले से युवक की मौत। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विकलांग लड़की का यौन उत्पीड़न। पीड़िता ने पुलिस में दी तहरीर। पुलिस ने शिकायत पर मामला किया दर्ज। राजस्थान के नागौर जिले के मावा गांव में कश्मीर में शहीद हुए मोहम्मद सत्तार खां को आज सम्मान के साथ किया गया सुपुर्दे खाक। शहीद की अंतिम यात्रा में उमड़ा पूरा गांव। नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं की मदद के लिए जयपुर की एचआर टेक स्टार्टअप कंपनी ने लॉन्च किया एक ऐप। 45 सेकंड में आपके घर के पास नौकरियों की जानकारी देगा ये ऐप। महाराष्ट्र में किसानों की खराब माली हालत के चलते किसानों ने अपने गांव को तेलंगाना में शामिल करने की गुहार लगाई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को लेटर लिख कहा, आप हमारा गांव गोद ले लीजिए। पूर्वांचल के लोगों की सुविधा के लिए मुंबई से वाराणसी तक वातानुकूलित बस यात्रा सिर्फ 2500 रुपए में होगी उपलब्ध। सोमवार को किया गया बस सेवा का उद्घाटन। हरियाणा में युवक के लिए सेल्फी बनी जानलेवा। सतलुज नदी में सेल्फी लेने पहुंचा युवक नदी में फंसा। सूचना मिलते ही पुलिस ने युवक को बचाने की पहल की। कुरुक्षेत्र की जेल में कैदियों के पास से मोबाइल मिलने का मामला आया सामने। जिला कारागार के उप अधीक्षक को निरीक्षण के दौरान मिले मोबाइल सिम और बैटरी। पुलिस ने शुरू की जाँच। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में एक पार्क में युवक की गोली लगने से मौत। मृतक की पहचान पुष्पिंदर सिंह के रूप में हुई। युवक की मौत के बाद इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंजाब विश्वविद्यालय के स्टूडेंट सेंटर में हुई सिरमौर एसोसिएशन चंडीगढ़ की बैठक। राजेंद्र शर्मा नए प्रधान और महबूब अली चुने गए उप प्रधान। महासचिव पद के लिए वीरेंद्र शर्मा और राजेश शर्मा को सचिव किया गया नियुक्त। पंजाब के गुरदासपुर की जेल में कैदियों ने किया हंगामा। कैदियों ने जेल की छत पर चढ़कर काटा बवाल। जेल के एक हिस्से में लगाई आग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी ने शिमला में आयोजित एक मेले में की शिरकत। सविता कोविंद अपनी बेटी बहू के साथ राज्य स्तरीय ग्राम शिल्प मेले में पहुंची। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच उन्होंने आम लोगों और पर्यटकों से की बात। शिमला हाई कोर्ट ने पेड़ों की अवैध कटाई के मामले के आरोपी पर कसा शिकंजा। हाई कोर्ट ने 416 पेड़ों के कटान मामले में भूप सिंह पर लगाया 34,68,233 रुपए का जुर्माना। अन्य कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज। भूप सिंह ने अवैध खनन के लिए काटे थे पेड़। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 30 वर्षीय महिला ने अपने दो बच्चों को जहर देने के बाद की आत्महत्या। करीब 2 महीने पहले हुई थी महिला के पति की मौत। परिजनों के मुताबिक सदमे में थी महिला। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के हमले जारी। अरनिया सेक्टर में दागे मोर्टार। पाकिस्तान की गोलीबारी में 8 महीने के बच्चे की मौत। पाकिस्तान की गोलीबारी पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। बोले, हमारा पड़ोसी देश शांति का दिखावा करता है लेकिन शांति नहीं चाहता। गुजरात के बनासकांठा जिले में घास से भरे ट्रक में बिजली के तार से अचानक लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक। गुजरात में राजकोट शहर के कुवाड़वा क्षेत्र में युवती ने की आत्महत्या। खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं। पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश। गुजरात के अहमदाबाद में एक शख्स ने की अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पूछताछ में जुटी।
असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का बयान, कहा असम में अगले 2 साल के अंदर कैंसर के 19 अस्पताल खोले जाएंगे, 2 डेंटल कॉलेजों की भी होगी शुरुआत। भारत की कैब सेवा प्रदाता ओला ने ऑस्ट्रेलिया के 3 और शहरों ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट और कैनबरा में अपनी सेवाएं शुरू की। ऑनलाइन कैब सेवा प्रदाता कंपनी ने कहा, उपभोक्ता आज से ओला ऐप का उपयोग करके रियायती दरों पर गाड़ी बुक कर सकते हैं। तेलंगाना के मेदक जिले के डिप्टी कलेक्टर रेड्डी ने खुले में शौच की रोकथाम के लिए किया काम। रेड्डी ने कई इलाकों में खुलवाया शौचालय, अधिकारियों को भी आगे से बढ़कर काम करने के लिए कहा। हैदराबाद में फर्जी आईडी प्रूफ के जरिए भारतीय पासपोर्ट बनवाने की एक बड़ी साजिश का खुलासा। हैदराबाद के राचाकोंडा इलाके में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। 4 लोगों में 2 हैं रोहिंग्या शरणार्थी। तेलंगाना के रंगारेड्डी इलाके में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, हादसे में लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। देश में भ्रष्टाचार को लेकर सीएमएस इंडिया करप्शन स्टडी ने जारी की रिपोर्ट, भ्रष्ट राज्यों में तेलंगाना 2 नंबर पर। अरुणाचल प्रदेश में पहली कमर्शियल विमान सेवा शुरू, मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत 25 यात्रियों को लेकर पूर्वी सियांग जिले के लैंडिंग ग्राउंड में उतरा विमान।